ईश्वर शिव को योग से जाना, पतंजलि ऋषि को सूत्र साधना, अष्टांग योग मां जानिए को, योग जीवन को विज्ञान हो, ऋषिवर को अभियान हो, योग जीवन को विज्ञान हो, ऋषिवर को अभियान हो। योगीवर को योगदान हो, समता को पहचान हो। योग भूमि यस धरती मां एउटै आवाज गुन्जिन हो, योगमय बनोस् नेपाल, योगी बनौं सबै नेपाली, योगी बनौं सबै नेपाली। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन् आसुवा। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्य जी मा नमन गर्दै प्रणाम गर्दै, राष्ट्रमाता नेपाल आमा यस धरतीलाई प्रणाम गर्दै, पशुपतिनाथ भगवानमा प्रणाम गर्दै, आज यस बिहानको ब्रह्म बेलामा योग अभ्यासका लागि, सत्सङ्गका लागि, दिव्यताको बाटोमा लाग्नुभएका, सहभागी हुनुभएका र आफूलाई बिहानको यस प्यारो प्यारो निद्रालाई त्यागेर आफू यो योग साधनाका लागि उपस्थित हुन सफल हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई नमन गर्दछु, स्वागत गर्दछु। पतंजलि योग समिति नेपाल, महिला पतंजलि योग समिति नेपाल, युवा नेपाल समिति का अग्रज मार्गदर्शक जीहरूको आशीर्वादबाट हामी लगातार बिहान योग अभ्यास सत्रको आज त्रिबल 5 मा छौं। 555वां बिहानको सत्रमा हामी उपस्थित भएका छौं र आज कार्तिक महिनाको 12 गते शुक्रबारको दिन, अक्टोबर महिनाको 29 तारिक 2021। आज हामीलाई पतंजलि योगपीठ हरिद्वार गुरुधामदेखि पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुँदैछ। आजको सत्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि हामीसँग हरिद्वारदेखि जोडिनु भएको छ पूज्य स्वामी तीर्थदेवजी। हामी नेपालको धरतीबाट हामी सम्पूर्ण उहाँलाई प्रणाम गर्छौं र स्वागत गर्दछौं। त्यस्तै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हरिद्वारदेखि नै प्रविधिबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ आचार्य अभिषेकज्यू, उहाँलाई पनि हामी प्रणाम गर्छौं र स्वागत गर्दछौं। आजको कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरेर शुभारम्भ गर्नका निमित्त आज पतञ्जलि योग समिति नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला ललितपुर जिल्लाका आदरणीय अध्यक्ष जोहन काष्टजी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ओम धन्यवाद जोहन काष्ट सर। अब हामी इस राष्ट्र मातालाई प्रणाम गर्नका लागि, राष्ट्र वन्दनाका लागि हामी सबै आफ्नो ठाउँमा उभिएर नेछौं। आउनुस राष्ट्रगानमा सबै सहभागी बनौं। फूल कहानी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फूल कहानी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। नेपाल आमालाई प्रणाम गर्दै अब हामी आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमतिर अग्रसर हुनेछौँ। आज विशेष गरेर इन्फर्टिलिटी बाँझोपन सम्बन्धी एउटा ठुलो समस्या पनि हामी भित्र रहेको हुन्छ, त्यो सम्बन्धी विशेष सत्र रहेर हामी सबैलाई लाभ हुने योग अभ्यास नियमित योग अभ्यास पनि सँगसँगै गरेर स्वामीजीले आज गराउनु हुनेछ। आज यो कार्यक्रममा नेपाल भारत र बाहिरदेखि पनि धेरै मित्रहरू सहभागी हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम लगातार एनबीआई न्यू डेली, एनआसिया अमेरिका र देवचुली टेलिभिजन नवलपुर र विभिन्न पतञ्जलि योगशक्ति नेपालका धेरैवटा फेसबुक च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको हुन्छ र जो मित्रहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरूले पनि यसलाई सेयर गरेर धेरै व्यक्तिसम्म पुगाइदिइराख्नु भएको हुन्छ र त्यो सोसियल एक्टिभिटीबाट यहाँहरू जो जो पनि सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै अब हामी यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु निमित्त हामी पूज्य स्वामी तीर्थदेवजीलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। गुरुदेव स्वागत छ। ओम सीधा बैठ जाते हैं सभी कोई और प्रतिदिन की भांति आज का प्रातःकालीन सत्र को आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार 3 बार ओम का उच्चारण के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ब्रह्म सभी आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी योग साधक भाई बहनों की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने सहयोग इस प्रशिक्षण शिविर में जो निरंतर चल रहा है 500 से ऊपर की संचालित हो चुका है। ये शिविर 555वां दिन आज है। इस प्रकार से 1 साल से ऊपर हो चुका है ये शिविर का संचालन होते होते और ये अहर्निश ये शिविर चल रहा है निरंतर और ऐसे अपने कर्मठ और एक तपस्वी और एक राष्ट्रनिष्ठ अपने भाई जिन्होंने इसको संचालन कर रहे हैं उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। काहे कि उनके अहर्निश पुरुषार्थ, काहे कि हर दिन इसकी मैनेजमेंट करना, हर दिन इसके लिए एक अपने अच्छे योग साधक, योग शिक्षक, योग गुरु, योगाचार्य को आमंत्रित करना, भारत से, नेपाल से अपने अलग अलग अपने वरिष्ठों और उनके अनुभव को इसमें साझा करना और उनको अपने आप इस शिविर में आमंत्रित करना। ये सारी व्यवस्थाएं, कोई भी कार्य एक दिन तो बहुत अच्छा से हो जाता है लेकिन उसको निरंतर संचालन करके रखना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। कि छोटी तपस्या नहीं, एक दिन कोई भी दिक्कत हो, कोई भी विकट स्थिति हो, बरसात हो, पानी हो, ठंडा हो, गर्मी हो, उसको निरंतर त्योहार हो, किसी दिन अनावरत संचालन करते। ऐसे भाई लोग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन, नाम करते हैं और आज अपने दीप बदल कर ललित उनको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और सबके लिए ईश्वर से आशीष प्रार्थना करते हैं। आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग अपने योगिन सूर्य नमस्कार ऐसे करते करते और आज का हम लोग का सत्र रहेगा। कि हर दिन हम लोग कोई एक विशेष सत्र के एक विशेष रोग के लिए लेते हैं ताकि सभी प्रकार से निजात किया जा सके, ताकि हर व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में व्याधि, ताकि वो व्याधि दूर हो सके और हम उसको समझ सके कि किस प्रकार से व्याधि आता है, उसका कैसे निदान हो सकता है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। कहा कि ये योग रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है और जो स्वस्थ हैं उनके लिए अपने आरोग्य जीवन पद्धति है ये योग और समग्रता के से जीते हैं योग में उनका जीवन दिव्य जीवन। तो ऐसे हम लोग सभी योग साधक साधिकाएं सभी लोग इसमें अहर्निश साथ कर रहे हैं और अपने अपने जीवन को दिव्य जीवन बना रहे और इसका पुण्य अपने इस शिविर को संचालन कर रहे इस तपस्वियों का जाता है, उनको सही जाता है, कराते तो परम पिता परमेश्वर ने। लेकिन हम लोग तो एक निमित्त बनते हैं। लोग कहते हैं आपने कराए, वो कहता है आपने कराए, सारे कराने वाला तो परम पिता परमेश्वर। हम लोग तो सभी एक इस संसार में एक पुष्प की तरह अपने को आए हैं और एक नाटक कर रहे हैं। परमात्मा जैसे जैसे करते चले जाते हैं लेकिन लोगों को लगता है हम ही कर रहे हैं, लेकिन सब कराने वाला परम पिता परमेश्वर है। उनको पुनः नमन करते हैं और आज हम लोग चलेंगे फर्टिलिटी के बारे में, प्रजनन, बांझपन, भाई और बहनों के बारे में आज जानेंगे। काहे कि इसमें बहुत लोगों को अगर ना हो मातृत्व तो ना बन पाए माता बहने तो बहुत उनके अंदर आत्मग्लानि होती है और भाइयों को भी होती है कि हमें क्या कमी रह गया, क्या ईश्वर ने हमें कमी कर दिया जो ये मातृत्व पितृत्व का धारण हम नहीं कर सकते, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को एक माता एक पिता कहला सकें। इसके लिए उसके बारे में हम लोग आज कुछ विशेष आसन करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अपने प्रतिदिन करते ही वो सारे करेंगे, लेकिन आज का सत्र हम लोग ये विशेष कार्य की पूरा भारतवर्ष में इंडिया टुडे का आ रहा है कि बहुत लोग होते हैं जो शादी ब्याह करते सालों साल, कुछ कुछ के तो अंतिम तक मातृत्व पितृत्व का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी माता बहनों को भी सुख मिले और सभी कोई उत्साह उमंग प्रसन्नता के साथ इस धरती पर अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाए। तो चलिए सभी कोई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हर दिन की भांति आज भी शरीर को वार्म अप करते हुए कहा कि हर योगाभ्यास के लिए कुछ उसका मेथड होता है, उसका टाइमिंग होता है, कंटिन्यूटी, सारी चीज हम लोग साथ साथ सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और आप सबों का प्रेरणा लगता है कि आज नेपाल राष्ट्र में ही है, कहे कि अभी ये टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी में अगर ये टेक्नोलॉजी ना होता, शुरू शुरू लग रहा था टेक्नोलॉजी का क्या, लेकिन हर चीज को समय के साथ अपने आप को समायोजन कर लेना ही मेन बात होती है। नहीं तो अगर टेक्नोलॉजी ना होता तो आज हम नेपाल राष्ट्र में आप लोगों का दर्शन और आप लोगों का सानिध्य मेरे को नहीं आकर्षित कर सकता, काहे कि हम चाहते वो भी वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन इस कोरोना काल पूरा वैश्विक काल में भी सब कोई दूर होते हुए भी अपने आप नजदीक होने का अवसर प्रदान किया। वैसे टेक्नोलॉजी देने वालों को भी धन्यवाद, उनका भी अभिनंदन। और चलिए आज के स्वाद को आगे बढ़ाते हैं योगिन जोगिन के साथ, ताकि अपना शरीर का वार्म अप हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। योगिन जोगिन के पहला स्टेप देखिए, धीरे धीरे अपने को करना चाहिए। शुरू में इंजन को गर्म करने के लिए धीरे धीरे मोटरसाइकिल कार चलते हैं, फिर धीरे धीरे पिकअप लेते हैं। तो चलिए योगिन जोगिन का पहला स्टेप हस्त संचालन। पूर्ण हस्त संचालन, इसमें पूरा हाथ ऊपर जा रहा है। देखिए इसका नाम जैसा है उसका विधि भी उसी प्रकार से है। इसमें पूरा हाथ मुट्ठी बंद करके आप ऐसे करेंगे बहुत सहजता के साथ। आप जो माताएं बहने हल्का सा बुजुर्ग हो गए हैं तो उनके लिए हल्का ऐसे धीरे धीरे ऐसे करेंगे ऐसे, और जो पूरा कर सकते हैं पूरा ऐसे फास्ट करेंगे। पूर्ण संचालन के बाद तीसरा जानो संचालन, हाथ कमर में और पैर को घुटने को सीने से सटाने का प्रयास, इस प्रकार से जितना हो सकता है अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना। अति सर्ववर्जित जानो संचालन तीसरा जानना विकास, जानु विकासक। जानु विकासक में भी हाथ कमर पे और नीचे बैठिए, पूरा सीधा रहेगा शरीर। इस प्रकार से आधा बैठते हैं ताकि अपने घुटने मजबूत रहे, काहे कि घुटने का बहुत महत्व है, काहे कि सारा खेल घुटने से बैठ सकता है। अगर घुटने लोगों को नहीं तो समय के साथ जवाब दे देता है। तो अपने योगिन जोगिन से योगाभ्यास से क्या होगा, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, आरोग्य रहेगा। और हम लोग जब तक इस सृष्टि में परमात्मा ने रखी तब तक स्वस्थ रहते हैं, जीवन जी सकते हैं। आज नंबर 5, चांघा विकासक भाग एक, ऐसी धीरे धीरे ऐसे बैठते चले, कितना आनंद आता है। होले जो पूरा बैठ सकते हैं इसे पूरा बैठता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऐसे। उससे क्या होगा? आपका पूरा पैर मजबूत होगा, पूरा सिरूल होगा। और आपके 100 साल तक जब तक शरीर इस धरती पे है तब तक आप स्वस्थ होकर जीवन जी सकते हैं। ऐसे ऐसे फिर हाथ कमर पे जांघा विकासन भाग 2, सांस लेते हुए ऐसे धीरे धीरे ऊपर देखे, सांस धरती इससे क्या हो रहा है? आप आपको देखिए, हाथ कमर पे है, पैर दाहिने पर पीछे इस तरह से, बाएं पैर आगे, पूरा पैर पे दबाव होगा दोनों साइड से, एक मार्ग में दाहिने होता है, एक मार्ग में बाएं होता है। इसको कम से कम 5 से 10 बार कर ले। एक जांघा विकासक भाग 2 के बाद छाती विकासक नंबर 7। देखिए क्रम से क्या होता है, क्रम से करने से क्या होता है, व्यक्ति भूलता नहीं, याद हो जाता है। जैसे हम लोग ABCD को याद किए क्रम से, A से लेके Z तक, तो अभी एक बार बचपन में याद किए हैं, भूले नहीं, तो उसको आगे इधर उधर से याद करते तो उसको फिर बोल नहीं सकते। इसलिए हर कार्य को एक क्रम के साथ, एक उसके मेथड, उसके नियम के साथ किया जाता है, ताकि वो एक बार याद हो जाए तो व्यक्ति भूल नहीं सकता। छाती विकास नाम के साथ इसका विकास भी होता है, उसका कार्य भी होता है, इस छाती का विकास। ऐसे धीरे धीरे आप पीछे झुके तो इतना झुके आप आसानी से आगे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे गिरने जैसा झुके। ये हो गया छाती विकास के बाद त्रिकोणासन नंबर 8। ऐसे हाथ सीधा रहेगा, नीचे का हाथ भी धीरे धीरे नीचे पर सटते हुए नीचे चला जाए, ऊपर का हाथ सीधा रहेगा, कान से सटा हुआ। त्रिकोणासन नंबर 8। देखिए आपको हमने भी इसका क्रम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, इसका विधि और इसका प्रैक्टिकल, चारों चीज साथ साथ चल रहा। ऐसे बहुत सुंदर। त्रिकोणासन के बाद कोणासन, सांस लेते हुए ऊपर के हाथ को देखेंगे, दाहिने हाथ पैर के बाएं हाथ पैर पर गया और बाएं हाथ को देख रहे ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। इस प्रकार से फिर पादहस्तासन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेंगे और सांस होते हुए नीचे, इसमें सांस होते हुए ऊपर, सांस होते हुए नीचे, इसका विशेष ध्यान रखें। आगे झुके तो सांस बाहर, पीछे झुके सांस अंदर, और बीच में सांस समाये। ये हो गया पादहस्तासन की बात। 11 नंबर चलित पादहस्तासन। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यही फास्ट होता है तो 2 बार में हो जाता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। तो इसे आप 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं। हल्का सा फास्ट कर ले तो, नहीं तो 60 बार तो हो ही जाता है। और सांसों के साथ भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, ताकि आपका अंदर का सिस्टम भी मजबूत रहे, प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर से और बाहर से मजबूत हो, तो आपको कोई भी विषैले पदार्थ हो, जीवाणु हो, कीटाणु हो, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। कोई भी वायरस हो, आपको अंदाजा लग भी गया होगा कि अपने वैश्विक इस महामारी काल में भी जिन्होंने योग किया, उनको अगर कहीं से एक दूसरे के संपर्क में होने से आ भी गया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि कैसे वो चला गया आने के बाद। ये नंबर 12 योग नृत्य। ये हो गया हम लोग की ये 12 अभ्यास योगिन की। और उसका हम लोग 4 चीज जाने, काहे कि हर चीज को समग्रता के साथ जानना बहुत आवश्यक है। बिना समग्रता से जाने, उसको पूरा जानना, अधिकांश चीज को जानना मुश्किल होता है। इसलिए हर कार्य को 4 दिशाओं से जाना जाता है, ताकि उस कार्य को व्यक्ति एक अच्छी तरीके से संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ उसको कर सके। इसलिए कार्य योग में तभी होता है जब उसको पूरी तरह से व्यक्ति समझ पाता है। तो चलिए योगिन के बाद शरीर को और हल्का सा आगे ले चलते हैं। सूर्य नमस्कार। जिस प्रकार से नाम ही है सूर्य, जो सूर्य भगवान ने पूरा संसार को अपना रोशनी देता है, अपना प्रकाश देता है, और उनके आते ही स्वतः अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। वो नहीं करता है कि अंधकार चले जाओ, वह स्वतः अपने आप को आते ही किसी को बिना कुछ कहे स्वतः प्रकाश आ जाता है। वैसे ही अपने शरीर को हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग करते चले कि कोई विषाणु आए तो स्वतः चला जाए। ऐसे स्ट्रोंग होने चाहिए जैसे सूर्य की तरह। तो चलिए सूर्य नमस्कार, इसलिए कहा गया सर्वांगीण व्यायाम। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, अगर आपने मात्र सूर्य नमस्कार ही कर ली, इसमें कई लोगों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक, गोल्डन बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। घंटों घंटों सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास, और अपने शरीर को पूरा मजबूत, बाहर से भी और अंदर से। तो चलिए ऐसे सूर्य नमस्कार को हम लोग भी धारण करें, ताकि अपने अंदर भी सूर्य की तरह प्रकाश, ओजस, तेजस अपने अंदर भी, और हम लोग पूरे संसार को एक व्यक्ति प्रकाश मान कर सके। तो चलिए करते हैं सर्वांगीण व्यायाम सूर्य नमस्कार। नंबर 1 नमस्कार मुद्रा, जिसको प्रणाम मुद्रा भी कहा जाता है। सामान्य सांस पैर दोनों नजदीक, हाथ नमस्कार मुद्रा में सीने के सामने। फिर नंबर 2 कमल की पंखुड़ियों की तरह ऐसी जाएगा। नंबर 2 पूर्व हस्तासन, सांस लेते हुए फिर वापस सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन नंबर 3। ये पाद हस्तासन। नंबर 4 दाहिने पैर आगे बाएं पैर पीछे, दक्षिण अश्व संचालन। सांस लेते हुए आसमान को देखेंगे, पूरा दाहिने पैर पे पूरा भार को, कमर को जितना मोड़ सकते हैं। अच्छा, फिर पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले गए, दोनों पैर के पंजा जमीन पे और हाथ की पूरा पंजा जमीन पे, पर्वतनुमा शरीर और आपका दृष्टि नाक की तरफ। ये हो गया पर्वतासन। पर्वतासन के बाद षष्टांगासन। षष्टांगासन में देखिए पैर के दोनों पंजा का अंगूठा भाग, अंगुली भाग तक जमीन पे, उसके बाद घुटने के दोनों पैर के घुटने और सीने, उसका ठुडी और हाथ के दोनों पंजे। इस प्रकार से 8 अंग शरीर पे, शरीर का धरती माता को स्पर्श करता है, इसलिए षष्टांगासन। षष्टांगासन के बाद भुजंगासन, कमर मुड़ते हुए आसमान को देखेंगे, पूरे भार आपके हाथ। भुजंगासन के बाद पुनः पर्वतासन। पर्वतासन में आपको बताई फिर वाम अश्व संचालन। इसमें पैर बदल लिए, दाहिने पैर पीछे, बाएं पैर आगे और बाएं पैर को पूरा भार और कमर को मोड़ते हुए आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन। फिर ऊर्ध्वस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। चलिए इसको भी कम से कम 5 बार करते हुए अभी हमने धीरे धीरे किए, अब इसी को तेजी से करते हैं। तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। इस प्रकार से सहजता के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको, गति को आप फास्ट, मध्यम, स्लो कर सकते हैं। युवा होते हैं वो लोग फास्ट करते हैं, वो लोग तो 100-100 बार इसको कर सकते हैं। और अपने शरीर को देखिए, सूर्य नमस्कार से जो मोटे होते हैं उनका पतला भी हो जाता है। ये योगाभ्यास शरीर को संतुलित करता है, और जो पतले होते हैं उनको मोटा दे देता है। माने बैलेंस बनाने का काम भी सूर्य नमस्कार से होता है। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा लोगों को, कितने अभी तो पूरे भारत में एक अभियान चला हुआ है भारत सरकार की ओर से, योगाभ्यास और कई संगठन मिलके 75,000 करोड़ का, अपने 75 करोड़ का कर रहे सूर्य नमस्कार। सभी लोग, युवा, सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्था मिलके 75 करोड़ युवाओं को सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, ताकि इसके लाभ लोगों तक पहुंच सके और लोग जान सके कि सूर्य नमस्कार से क्या होता है, शरीर का फिटनेस और योग से कैसे शरीर फिटनेस रख सकता है। तो चलिए हम लोग सूर्य नमस्कार भी करिए। और इसी में इससे और हल्का सा आगे चलते हैं, चंद्र नमस्कार को भी हल्का सा परिचय के रूप में जानेंगे। कहा कि सूर्य और चंद्रमा इस धरती को एक तेज देता है और एक तेज के साथ साथ उसके साथ साथ क्या देता है, चंद्रमा शीतलता देता है और सूर्य तेज देता है। तो हम लोग दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि व्यक्ति का शरीर भी तेज भी रहे और शीतलता भी। नहीं तो व्यक्ति तेज तेज केवल हो जाए तो भी बात नहीं बनती है, व्यक्ति का दिमाग हल्का शीतलता भी रहनी चाहिए ताकि लोगों को शीतलता प्रदान कर सके और तेज भी रहनी चाहिए। तो चलिए चंद्र नमस्कार करते हैं 2-3 बार। सूर्य नमस्कार के जैसा ही है सेम, उसमें 2 प्लस हुआ है ताकि आपको हल्का सा एडवांस आपके पास भी जानकारी रहे। 1 2 देखिए सेम आ रहा है। नंबर 3 में देखिए, नंबर 4 तक सेम गया। 5 में अर्धचंद्र नमस्कार, ये प्लस हो जाता है 5, फिर 6 देखिए सेम आ गया, 7 8 9 10 10 के बाद क्या है, ये हो गया। इससे आपको पैर मजबूत होते हैं। 12 13 14 नमस्कार मुद्रा, ओधस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन, अर्धचंद्र नमस्कार, अर्धचंद्रासन जिसको कहा जाता है, पर्वतासन, फिर शीर्षासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, फिर अर्धचंद्र नमस्कार, अर्धचंद्रासन। इसमें देखिए पैर पूरा मजबूत होता है। पादहस्तासन, ओधस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया चंद्र नमस्कार। तो चलिए हम लोग कुछ योगाभ्यास हम लोग देखते देखते धीरे धीरे कितने हो गए, योगिन के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, चंद्र नमस्कार के 14 अभ्यास, 12 दूना 24, 12 या 36, 2 38 योगाभ्यास कर लिए। तो आज हम लोग कुछ विशेष आसन प्रतिदिन करने वाले आसन तो करते ही हैं, लेकिन आज हम लोग प्रथम में ही आप सबों को बताए थे कि कुछ विशेष पैकेज करें ताकि हम लोग सीख सकें हर चीज को। तो चलिए बैठ जाते हैं और बैठ के हम लोग कुछ आसन सीधे लेट के, कुछ उल्टे लेट के, और ऐसे आसन हम लोग करेंगे क्योंकि आज हम लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में जानना है, क्योंकि इसमें बहुत लोग इसमें ग्रसित होते हैं, बहुत भाई बहने इससे मातृ तत्व से वंचित रह जाते हैं। तो उनको भी कैसे हम लोग अपने इस जीवन में उससे कैसे निजात पा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि फर्टिलिटी से बहुत लोगों को बहुत हलानी होता है, बहुत लोगों अपने आप को, बहुत लोग तो अपने आपको इस संसार से लगता है कि हमको अब जीना ही क्या जब हम बन नहीं सकते माँ पिता का। तो फिर लोग इसलिए इससे भी किसी को आहत ना हो, और वे भी किसी कारणवश कहीं कोई कमी रह जाता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे निजात पाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग करेंगे योगाभ्यास। तो चलिए पहले बैठ के करते हैं 2-4 आसन, और फिर सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के, पीठ के बल, सब आसन लगभग हम लोग धीरे धीरे करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैठ जाते हैं दंडासन में। देखिए ये दंडासन बोलते हैं, इस तरह से बैठा जाता है, उसको दंडासन कहा जाता है। और दंडासन में बैठ के हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन से ही शुरुआत करते हैं। ऐसे हाथ को ऊपर सीधे ले जाए साइड से, और हाथ को अंगूठे इसको पकड़ ले, हाथ के अंगूठे से और माथे को घुटने से सटाने के प्रयास जितना हो सकता है। ऐसा ना कि आप एक ही बार में सोचे कि मेरा सट जाएगा, नहीं, शरीर के साथ अतिक्रमण ना हो, ये भी ध्यान रखें। इसमें सांस पूरा बाहर होता है। आप जिसका ना हो ऐसे करते चले। ऐसे करते जाएंगे फिर हो जाएगा सीधे। ये हो गया आपको पश्चिमोत्तानासन। उसके साथ साथ सहयोग करता है अपने ब्रह्मचर्य आसन में भी बैठ सकते हैं आप। उसके लिए क्या होता है, पैर को साइड पे ऐसे निकाल देते हैं, दोनों पैर को, और बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ये हो गया ब्रह्मचर्य आसन। ऐसे सीधे इस प्रकार से बैठे, ये ब्रह्मचर्य आसन। अब शुरुआत में हल्का सा पैर में पूरा लगता है कि बहुत ताकत और हल्का सा, लेकिन धीरे धीरे आप बैठ पाएंगे। आप उसी के साथ तीसरा हल्का सा कमर के लिए भी होता है। आप उष्ट्रासन, देखिए उष्ट्रासन में आप ऐसे हाथ को, दाहिने हाथ को धीरे से पीछे ले गए, फिर दाहिने हाथ के बाद बाएं हाथ को भी ले गए और एड़ी को पकड़ ली, और ऐसे पूरा दबा जाता है कमर पे, रीढ़ पे, पीठ पे, पूरा उस तरह से। ऐसे ऐसे ये तो हो गया आपको उष्ट्रासन, कुछ बैठ के करने का प्रयास हमने बताया। अब कुछ हम लोगों ने लेट के भी आसन करेंगे। सीधे लेट के 3 आसन करेंगे। तो उसके लिए भी आप अपने स्थान पर तैयार हो जाएंगे ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। काहे कि अभी लेट के करने वाले आसन इसमें और कारगर होते हैं, तो पहले सीधे लेट के करेंगे। सीधे लेट के करने में सबसे प्रथम मत्रासन, थोड़ी हाथ के केवल जमीन पे और आपकी हाथ ठुडी पे होगा ऐसे, और ये हाथ का सीधा रहे, ये भी ऐसा नहीं कि मुड़ जाए। और एक एक पैर को ऐसे ऐसे करेंगे, नितंब से सटाने का प्रयास। इसमें आपको कमर पे दबाव जाता है, पैर पे दबाव जाता है, पेट पे जाता है, नाभि पे जाता है, कई जगह दबाव जाते हैं। मक्कासन ये रिलैक्स के काम में भी आता है। व्यक्ति थक जाए तो ऐसे कर लेता है तो उसको आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है और थकावट भी दूर होता है। जब एक एक पैर से हो जाए तो दोनों पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। सहजता के साथ बहुत रिलैक्स मिलता है ऐसे करने से। आप थक भी गए हैं तो आप ऐसे कर लें, आपको आराम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये मक्कासन। मखासन के बाद भुजंगासन। भुजंगासन में हाथ कंधे के साइड में और हाथ ही पूरा पंजा कंधे के साइड में रहे और जमीन पे, पैर दोनों नजदीक और सांस लेते हुए नाभि तक उठेंगे और आसमान को देखेंगे। ये भुजंगासन का पहला चरण। धीरे-धीरे वापस कम से कम एक आसन को 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। फिर पुनः वापस स्थिर सुखम आसन, सहजता के साथ, स्थिरता के साथ। एक बार पुनः सांस भरते हुए आसमान को देखें और नाभि तक उठाएं। आप त्रियक भुजंगासन इसमें आता है। भुजंगासन में पूरा उठा ले कमर तक और बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को देखें। ऐसे फिर वापस, फिर पुनः दाहिने कंधे से बाएं पैर के एड़ी को देखें। फिर वापस, फिर एक बार पुनः सांस लेते हुए इस प्रकार से भुजंगासन का दूसरा स्टेप आप करेंगे। ठूड़ी के नीचे हाथ और पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए पूरा कमर तक ले जाएं और आसमान को देखे, पूरा मोड़ लें और हाथ पूरा सीधा, पूरा दबा जाएगा इसमें। आसन को कम से कम जो आरोग्य, जो जिनको व्याधि होता है और वो आसन करते हैं, तो उनको कम से कम एक एक आसन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक रोक के रखना होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, आसन करते हैं, एक पल रोकते हैं और वापस आ गए। फिर कहेंगे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, मैंने सब आसन जानता हूं, सब आसन किया, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला, आपका योगाभ्यास से कुछ नहीं मिला। लेकिन भैया, जिसको जितना खाना चाहिए उतना खाएगा तभी तो पेट भरेगा। आप कोई कहे हाथी को कि आप चूहा जितना खाता है उतना खाइए और कहिए कि आपका पेट भर गया, आप स्वस्थ रहेंगे, आप आरोग्य रहेंगे, आप मोटे तगड़े रहेंगे, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि उनका भोजन उसे कई गुना, हजार गुना ज्यादा चाहिए हाथी को, और चूहा को बहुत कम, क्योंकि सबका साइज अलग अलग है, इसीलिए इसका डोज भी अलग अलग है। पूरा जब तक डोज नहीं लेंगे तब तक लाभ मिलेगा। भुजंगासन के बाद सल्भासन। सल्भासन में थाई के नीचे, जांघ के नीचे हाथ रख ले और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ऐसे 30 डिग्री का कोण। फिर दूसरे पैर को और रोक के रखेंगे ऐसे। ऐसे फिर दोनों पैर से कर सकते हैं। जब आपको सहजता हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से और सीधा रहे दोनों पैर। ऐसे सांस लेते हुए फिर वापस। ये तो हो गया पेट में केवल लेट के करने वाले आसन। हमने ये कुछ आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पेट केवल लेट के, आप उल्टा लेट के आपको पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मरकटासन करें। मरकटासन में पूरा सीधा लेट जाए, हाथ साइड पे कंधे की साइड में सीधे फैला दे, पूरा सीधा। और सीधे फैलाने के बाद पैर को दोनों मोड़े और नीतम से सटा ले। मरकटासन का पहला स्टेप, बाएं साइड सांस लेते हुए दाहिने हाथ के हथेली को देखें, ऐसे फिर धीरे धीरे वापस। ये आसन बहुत शरीर को रिलैक्स देता है, व्यक्ति थक गया उसको भी आप करा दें मरकटासन, व्यक्ति रिलैक्स होता है उसका शरीर। और उसी के साथ किसी को कमर दर्द है उसको करा दिए तो कमर दर्द दूर हो जाए। जिनको इनफर्टिलिटी है उनको करा दिए, उस रोग से निजात मिल जाएगा। और जिनको फर्टिलिटी है उनको भी करा दिए तो उसको उस रोग से निजात मिल जाएगा। इसको कहा जाए बाजपन प्रजनन भी लाभ मिलता है। और अब इसका दूसरा बोझ 1 फीट का फैसला, पैर को केवल फैला ले और पुनः पहला पोज करें। सांस लेते हुए बाएं साइड झुकाए तो आपको पंजा पे घुटने चला गया और दाहिने हाथ की हथेली को आप देखिए। फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे साइड। दो राउंड, 3 राउंड आवश्यक से तो ही बात बनती है, नहीं तो लोग तो एक राउंड में सोचते हैं कि पूरी बात बन जाए और कुछ ही पल में अभी के अभी दूर हो जाए तो हम कहते वैसा भी होगा। अब पैर सीधा करें और इसका करेंगे तीसरा स्टेप में दाहिने पैर को पूरा उठा लिए सीधा और दाहिने पैर बाएं हाथ की हथेली को ले गए और दाहिने हाथ की हथेली को दे गए। फिर धीरे धीरे वापस ऐसे, फिर दूसरे साइड से। आसन को दोनों साइड से इसको किया जाता है, बराबर किया जाता है। इस प्रकार से ये आपको हमने कुछ आसन करा रहे हैं। आप करेंगे अर्धलासन। देखिए अर्धलासन में एक पैर को भी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे। और जो कर सकते हैं दोनों पैर को भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अर्धलासन। माने आधा जा रहा है अर्धलासन। अब इसी का इसमें ताकत पूरे लगते हैं आपको अर्धलासन। एक तो अर्धलासन, फिर धीरे धीरे सबको सहजता के साथ और पूरी तरह तन्मयता के साथ हम सभी कर रहे हैं। और करेंगे पादविकासन। देखिए पादविकासन, दाहिने पैर को गोल घुमाएंगे इसे, ऐसे ऐसे जितने बड़ा शून्य बना सकते हैं, ऐसे। आप क्लॉक वाइज घुमाएं, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे इसे, ऐसे ऐसे जितना बड़ा शून्य बना सकते। फिर दूसरे पैर से भी शुरुआत में क्लॉकवाइज घुमाना, उसके बाद दूसरा भाग एंटी क्लॉक माने घड़ी के विपरीत, लेकिन जब आप उसको घुमाएं तो ये सावधानी जरूर रखनी जितने बार क्लॉक वाइज घुमाए उतने बार एंटी क्लॉक वाइज भी घुमाना है, ताकि आपका शरीर का बैलेंस भी बना हुआ है, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा, फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं। वैसे ये तो हो गया पादवृतासन। अब पादवृतासन के बाद द्विचक्रिकासन, इसके लिए बहुत उपयोगी होता है और कुछ आसन को आपको प्रतिदिन करने वाले आसन में भी आ रहे हैं। कहीं इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है परम स्वामी जी महाराज परमश्रद्धाचार्य ने अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से कहा जाए, और इनको कितने रिसर्च करने के बाद, कितने लोगों के ऊपर शोध करने के बाद दैनिक योगाभ्यास में प्रतिदिन करने वाले आसन में 12 आसन छांटे हैं, हजारों आसन में, और जिसको सब लोग कर सकते हैं सहजता के साथ वैसे आसन का चयन और उसका पूरा शरीर तरीके और आप कहेंगे द्विचक्रिकासन। साइकिलिंग चलाने का अभ्यास, इससे भी देखिए कैसे लाभ मिलता है। ऐसे पैडल मारे, पूरा पैडल मारे, कोई लोग आधा मारते हैं, आधा नहीं पूरा पैडल मारते हैं। अब जितना आगे चले जाए उतना फिर पीछे भी आना है, ऐसे नहीं आगे जाके ही रह जाना है, आपको फिर पीछे वापस पैडल वापस मारे, वापस लौटने का, फिर एक एक पैर से मारे, आप दोनों पैर से भी मार सकते हैं इसे, आगे जाने का फिर पीछे वापस लौटने का। ये तो हो गया द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के बाद करेंगे कंधासन। कंधासन में पैर को मोड़ ले, नितंब से सटा ले और पैर की एड़ी को हाथ से पकड़ और सिर कंधे पे भार देते देते पीठ को, कमर को पूरा ऊपर उठा ले, जितना उठा सकते हैं ऐसे। सब तरफ से सफे को दबाव मिलता है, ताकि जहां दिक्कत है वो सारे दूर हो जाए। फिर वापस एक बार पुनः करेंगे, पैर की एड़ी को पकड़िए और कंधे के सहारे, सिर के सहारे कमर को पूरा उठा लिए और रोक के रखना है। फिर वापस उसके बाद करेंगे चक्रासन। अब चक्रासन कोई खड़े होके कर सकते हैं, कोई लेट के कर सकते हैं, जिससे बच्चे होते हैं वो खड़े होके करेंगे अच्छा है, जिससे अभ्यास अपने को, ऐसा नहीं कि आप खड़े होके करें और पता चले आपने गिर गए, वो सावधानी आपकी रखनी है। चलिए इस लेट के कर लेते हैं, लेट के करेंगे तो आपको सहजता हो जाता है। तो चलिए करते हैं चक्रासन। ये होगी चक्रासन। चक्रासन के बाद उठ जाएंगे और कुछ हल्का सा इसमें एक दो कठिन आसन आता है, ये हम लोग अभी किए, लगभग हम लोगों ने आसन कर लिए। बैठ के किए थे 3 आसन, सीधा लेट के 3 आसन और उल्टा लेट के हम लोग लगभग 6 आसन किए, तो लगभग 12 आसन हो चुके। और अब हम लोग करेंगे 3 आसन और हल्का सा कठिन आसन। शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे और हलासन करेंगे। तो जो कर सकते हैं वो साथ साथ करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो देखते जाएंगे। और सर्वांगासन तो हमको लगता है सभी लोग कर पाएंगे, यह हल्का होता है। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग सर्वांगासन करेंगे और जो लोग कर सकते हैं वो साथ साथ शीर्षासन कर लेंगे। कहे कि इससे ये भी आपको अपने आप में अद्भुत है। हर आसन का बखान किया जाए तो दिनों लग जाएगा। इतने लाभ, इतने इसके गुण है। तो चलिए धीरे धीरे जिसका हो पाए और जिसका ना हो पाए उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं, सहजता के साथ करते चले। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर धीरे धीरे पैर को उठा ले। ये हो गया शीर्षासन। पहले व्यक्ति पैर से तो रखते हैं, शीर्ष से खड़ा होने को कहा जाता है शीर्षासन। और इसमें आपको ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है। और उसी के साथ साथ ये आसन आसनों का राजा भी कहा जाता है, शीर्षासन। काहे कि इससे कई लाभ मिलते हैं। जैसे जंगल का राजा से वैसे आसनों का राजा शीर्षासन। इसको 1 से लेकर 5 मिनट तक आप आसानी से कर सकते हैं। लोग इसमें भी, कई लोगों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने पतंजलि के भी कई अपने युवा, कई विद्यार्थी इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। फिर धीरे धीरे वापस शीर्षासन, और शीर्षासन के बाद सर्वांगासन। जो लोग नहीं कर पाए शीर्षासन वो सब लोग सर्वांगासन कर सकते हैं। देखिए सर्वांगासन ऐसे, इसमें सहायता देते हैं आपको कमर को हाथ से और पैर ऊपर सीधा। सर्वांगासन एक प्रकार से देखिए लाभ दोनों में लगभग बताते कि बराबर मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ तो शीर्षासन में ही मिलता है। तभी तो राजा कहा गया। इसमें भी जो नहीं कर सकते हैं शीर्षासन उनके लिए दिया गया है कि सर्वांगासन कर। इसमें आपको सहायता देता है हाथ। पहले शीर्षासन भी लोग दीवार के सहारे सीखते समय करें, ऐसा ना हो कि एक आय करें और गिर जाए। फिर धीरे धीरे वापस सर्वांगासन के बाद करेंगे हलासन। हम लोग शुरू में किए थे अर्धहलासन, अब पूर्ण हलासन करें। देखिए धीरे धीरे ये पूर्ण हलासन। फिर धीरे धीरे वापस, ये हो गया आपको लगभग आसन का पैकेज पूरे हम लोग कर लिए। अब श्रम के बाद विश्राम आवश्यक हो जाता है। तो चलिए सीधा लेट जाते हैं और 1 फीट का फैसला पैर और हाथ कमर के साइड में, हाथ की हथेली आसमान की ओर, और 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे समान में करें। और उसी के साथ शरीर के एक एक अंग को, एक एक भाग को देखते हुए शिथिल कर देंगे और धीरे धीरे देखते देखते पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। पूरा शरीर भारत माता धरती माँ की गोद में बैठ जाएगा विश्राम। और जितने ऊर्जा उन लोगों ने भी खर्च की उससे दुगुन ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। चलिए आंख बंद रहेगा, इसमें मन ही मन आप मोटे मोटे शरीर का नाम, भाग का नाम लेते उसको आप देखते जाएंगे और उसको शिथिल करते। चलिए करते हैं। पैर की अंगूठा से शुरुआत, अंगूठा को देखिए और उसको धीरे से शिथिल कर मन ही मन देखता है। आंख बंद अंगूठा के बाद पूरा चारों अंगुली पांच अंगुली देखते हुए पूरे अंगुली को भी शिथिल और पूरे पंजा को, फिर धीरे से पिंडली, पिंडली के बाद घुटने, घुटने के बाद जांघें, कमर, फिर नाभि, फिर पीठ, फिर छाती, सीने को देखते हैं, फिर हृदय, फिर कंधे को, कंधे के बाद हाथ का बाह को, बाह के बाद केवड़ी, केवड़ी के बाद हाथ की कलाई, हाथ का पंजा और पंजा के बाद हाथ सब धीरे शिथिल कर जाए। करने के बाद सबको देखते मन शिथिल, पूरा शरीर शिथिल और धीरे धीरे सांस सम्मान के लोग बताते हैं कि नाथ आगे रोगी वो भी इतना सम्मान सुबह लोग करते हैं जिससे सांस कम उसकी भाई लंबी और जिसकी सांस कम ऐसी सांस उसको पा सकते हैं। लंबे भाई को काम कर सकते हैं। इसी प्रकार के शरीर को जैसे शिथिल किए उसी प्रकार एक एक भाग को देखते हुए क्या करें उसको सजग करें। इसे पैर की अंगुली से शुरुआत किए तो पैर की अंगुली से ही देखें और पैर की अंगुली पंजा को देखते हुए सजग करें। सजग करते हुए आप ये संकल्प जरूर करें कि वह भाव मेरा पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, शिथिल हो रहा है और पूरी व्याधि जो भी व्याधि वो स्वस्थ हो रहा है। बिंदली, घुटने, घुटने के बाद जांघ, कमर, नाभि, पेट को देखते हुए अपने सीने, हृदय, कंधे, बांह, केवड़ी, हाथ की कलाई, हाथ का पंजा और और पृथ्वी को दिग्विजय करते और कानून सब पूरी सत्य आप बन रहेगा। इस पूरा शरीर सत्य होने के बाद आप कोई से कीर्तन करेंगे और उसके बाद इसका पुस्तक अपने तेज वापस करें, फिर दाहिने करवट लेते हुए हम लोग लेटे थे, बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का लगभग आसन का पैकेज हम लोग किए और हम लोग अब करेंगे प्राणायाम का। जितना महत्व आसन में है उतना महत्व प्राणायाम में है, इसलिए दोनों का महत्व अपने अपने स्थान में अद्भुत, क्योंकि योगाभ्यास में जितना हम लोग प्राणायाम का महत्व देते हैं उतना महत्व आसन को देते हैं। आसन से क्या होता है, आपके बाहरी शरीर का बनावट, बाहरी प्रतिरोध क्षमता, आपका शरीर का कवच, सुरक्षा कवच बाहर से, इसको आसन और प्राणायाम के द्वारा अंदर का सुरक्षा कवच मजबूत हो, अंदर से बाहर से आसन से मजबूत करते, प्राणायाम से अंदर से मजबूत करते, ताकि शरीर भी आपका हिस पुष्ट हो, आपका मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, ताकि आप अंदर से भी लड़ सकें, बाहर से भी लड़ सकें और अपने अंदर की कमजोरी और अंदर की व्याधि, अंदर का नकारात्मक विचार को जीत सकते। नहीं तो जब अंदर से स्ट्रोंग नहीं होंगे तो अंदर की व्याधि को नहीं जीत सकते, और जब बाहर से स्ट्रोंग नहीं होंगे तो बाहर की व्याधि को नहीं जीत सकते। जैसे हर मौसम को संतुलित बैलेंस बनाने का काम। तो चलिए कोई एक आसन आप बैठ जाए, जो बैठ सकते हैं वो सीधासन, सुखासन, पद्मासन, या उसमें भी नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में तो बैठ ही सकते हैं, कोई एक आसन। ये तो हो गया आपको, ये आसन तो सब लोग बैठते हैं अधिकांश, सुखासन, ताकि इसमें सहजता के साथ हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं सुखासन। कोई को नाम भी पता नहीं, लेकिन वो बैठते हैं सुखासन में, क्योंकि पहले से बचपन से ही बैठते आ गए। अब योगाभ्यास में आ गए, हल्का सा सीधासन बैठ सकते, दाहिने बाएं पैर नीचे, दाहिने पर उसके ऊपर टकने के ऊपर टकना, ये हो गया सीधासन। बैठने में कमर की, आपको की हड्डी ये सीधा रखना होता है, ताकि आपको कमर ना, पेट ना, आगे छूटने वाला कोई भी तरह का व्याधि ना आए। ये तो हो गया सीधा। अगर जो लोग युवा हैं अपने और लगता है कि हम और इससे आगे इसमें क्या बैठे, तो आप पद्मासन बैठ सकते हैं ऐसे, ये हो गया पद्मासन। तो ये आपको तीन आसन हमने बता दिए, और तीनों में जो नहीं बैठ सकते वो चरपाई में लेटे लेटे भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। है कि जिनको व्याधि है वो कैसे बैठ पाएगा, वो बैठ नहीं सकता है तो फिर वो कहेगा कि मैं तो वंचित रह जाऊंगा। इतना महत्वपूर्ण योगाभ्यास जिससे पूरा शरीर आरोग्य मिलता है, लाभ मिलता है और व्याधि दूर होता है। मेरे को तो व्याधि है और मैं तो कर नहीं सकता, व्याधि से मुक्त नहीं हो, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो भी चरपाई पे लेके लेके प्राणायाम कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है और अपने शरीर को आरोग्य पा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं क्या बैठ के, और उसी को क्यों लाभ मिलेगा ना, लेट के भी करने से लाभ मिलता है। अब क्या है, हम लोग पहले से सांस को ले रहे छोड़ रहे हैं, लेकिन योगाभ्यास में उसको एक टाइमिंग दे दी, उसको लेने का विधि दे दी, उसको समायोजित किया, उसका एक तरीका एक सिस्टम बनाया गया। ऐसे सांस लेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे सांस लेंगे तो ऐसे होगा, ये सिस्टम में बना। और उसे अपने सचिव आयोग में बनाए। तो चलिए सबसे प्रथम करेंगे बृहस्पति का प्राणायाम। बृहस्पति का प्राणायाम में 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, ये होता है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि आप जब सांस ले तभी आपके शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना, एक सहजता के साथ, एक प्रसन्नता के साथ आपकी सांस ले लें। ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज, बहुत फास्ट और पूरा शरीर में संकुचित हो जाए, लगे कि व्यक्ति तनाव में बैठा हुआ, वैसा एकदम सहजता के साथ 2.5 सेकंड में सांस ले, 2.5 सेकंड में सांस। तो ऐसे आप सांस लेते चले, बृहस्पति का प्राणायाम करते चले और हम आपको कुछ बातें बताते चलेंगे ताकि आप सुनते चले और करते चले। बृहस्पति का प्राणायाम आप 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ो। इससे आपको 5 सेकंड में एक आहुति हो जाता है। तो आपको 1 मिनट में कितना आहुति हो जाएगा? 12 आवेदन, ताकि 5 गुना 12, 12 बजे 60, तो 1 मिनट में 12 बार हो जाए। अब इसी को आप 5 मिनट कर लेंगे तो आपको 60 बार हो जाए। सिर्फ 5 मिनट करने से 60 बार हो जाता है। तो आप सब योग योद्धाएं इसको करते चले और कुछ बात सुनते भी चले, आपको हमने कुछ बात बताते भी चले, जिससे आप वो समग्रता से जानकारी हो सके उसके लिए, ताकि आप इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए बृहस्पति का प्राणायाम करते हैं। चेहरे में भी कोई तनाव न, अपने में प्रसन्नता रखें, बिना तनाव। तो इसके लिए देखिए, इस रोग के लिए, इस निदान के लिए एक तो योगाभ्यास करके लोग इसका निजात पा सकते हैं और एक औषधि लेके पा सकते हैं। आसन करने से होगा निजात, प्राणायाम करने से निजात मिलेगा और इस औषधि के द्वारा भी निजात पा सकते। जैसे माताओं बहनों के लिए इसके लिए क्या लेता होता है? दिव्य संतति सुधा वटी लेना, दिव्य संतति सुधा वटी। ये 60, एक डिब्बा में 60 टेबलेट होते हैं। इसको आपको भोजन से पहले दो गोली लेना, ताकि आपको इसमें उत्साहिता कर लाभ हो जाएगा। भोजन से पहले माने आधे घंटे पहले गुनगुने उषुम पानी से लेना। ये महिलाओं के लिए होगा। और दूसरा नारी सुधावटी, दिव्य नारी सुधावटी, ये भी 2 टेबलेट लेना होता है। ये भोजन के बाद भोजन के आधे घंटे सुगम बताए भोजन के आधे घंटे पहले लेने औसत। अभी बता रहे भोजन के आधे घंटे बाद लेने ना दिव्य नारी सुधा वटी इसको बताया भोजन से पहले भोजन। और एक आप बीच में ले सकते हैं दिव्य शतावर जो इसको दूध के साथ किया जाता है, इसको भी आप एक चम्मच एक गिलास दूध आप ले सकते हैं कम से कम। ये तो हो गया आपको दिव्य शतावर। और एक आता है अभी कई रिसर्च के बाद पतंजलि न्यूट्रेला वुमेन डेली एक्टिव, ये औषधि भी बहुत कारगर है कि इसको बहुत रिसर्च के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज निकाल कई लोगों पे इसमें प्रयोग किया, कितने रिसर्च हुए। उसके बाद कई कुछ लोग कहते हैं कैसे हो जाए, इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ है। अपने पतंजलि योगपीठ में इसी के लिए हर रोग का दवा के लिए हर रोग को आरोग्य देने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का को में जिसमें 300 से ऊपर वैज्ञानिक काम करते सिर्फ इसी रिसर्च के लिए। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया। ये रिसर्च सेंटर भी भारत में तो हमको लगता है आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरा वर्ल्ड में कहा जाए तो नंबर 1 नहीं तो नंबर 5 के बीच में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट। प्राइवेट संस्था में तो नंबर 1, सरकार में हो सकता क्या, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई संस्था इतने बड़े रूप में रिसर्च सेंटर बनाना एक योग आयुर्वेद के लिए अपने आप में अद्भुत। और उसकी बदौलत ये आप लोगों को औषधि का निर्माण, योग का निर्माण, ये कौन सा आसन है, कैसे। चलिए ये आपको इसको भी आपको सुबह और शाम खाने के बाद ले सकते तो इसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। ये तो आप महिलाओं के लिए। तो चलिए खस्तिका जी होने रुक गए थे, 1 मिनट करें काहे की करने से बात बनती, देखने से सुनने से केवल बात नहीं बनती। अब जिनका लंबे समय से अभ्यास हो गया है, जो युवा है, जो स्वस्थ है, वो भस्ती का अपने आप को फास्ट कर सकते हैं। ऐसे फास्ट किया जा सकता है, लेकिन वो वही करें जिनका लंबे समय से अभ्यास हो। ऐसे नहीं कि आज शुरुआत की आज ही हम ऐसे तेज करें तो उसे दिक्कत आ सकता है, आपको शरीर में दर्द हो सकता है। इसलिए जिनका लंबा अभ्यास हो चुका वो करें। चलिए आप सब लगभग योग साधक बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, आप लोगों को वंदन करते हैं, क्योंकि आपने बहुत धैर्य के साथ इसे बताया। नहीं तो बहुत लोगों को बताया जाए तो समझ में भी नहीं आता, समझते हैं। तो चलिए आपको हमने कुछ औषधि बताया, तो उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण काम है कपालभाति करेंगे। कपालभाति में 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, ऐसे लगाएंगे एक सेकेंड में एक ही स्ट्रोक होगा कपालभाति। तो कितना हो जाएगा एक मिनट में 60 स्ट्रोक। और वही आप जब 5 मिनट लगा लिए लगातार तो 300 बार हो जाए, 10 मिनट लगा लिए तो 600 बार और 15 मिनट लगा लिए तो 900 बार। जब आप 900 बार कर लेते हैं तो आपके अंदर का सारे सिस्टम को ऐसे स्ट्रोंग करता है अंदर से कपालभाति कि सारे व्याधि अपने आप थक जाते, कहते हैं कि यहाँ को खाली कर सकते, ये तो बहुत चोट मार खा स्वतः अपने आप भागते। तो कपालभाति ऐसे रोग को व्याधि को दूर करता है, अंदर के सिस्टम को पूरा स्ट्रोंग करता है, अपने प्रजनन सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, तो ठीक करता है। उनके अंदर जो विकार आए होते हैं इन फर्टिलिटी में उस विकार को दूर करता है। फर्टिलिटी में जो विकार न हो सकता प्रजनन बांझपन सारे विकारों को दूर करता है कपाल। चलिए इसे कपालभाति को कम से कम हम लोग 5 मिनट तक तो कम से कम आज सीखने के कम कर ले और आप इसको धीरे धीरे अभ्यास करते करते 15 मिनट तक ले जाने। सुबह में 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट होगा, फिर 4 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 15 दिन होते होते 15 मिनट हो जाए और आपको अंदर से अनुभव आएगा अपने अंदर जो व्याधि थे उसे कैसे लाभ होता है, फिर अपने अंदर से उस शांति कि लाभ कैसे। तो चलिए करते रहे और कुछ बातें सुनते। ऐसे करते चलेंगे और कुछ बातें सुनते चलेंगे। आपको हमने महिलाओं के लिए कुछ औषधि बता रहे थे। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी तो इसमें कुछ दिक्कतें होते हैं, तो भाई दोनों को प्राणायाम तो साथ साथ करने पड़े और दोनों के लिए कुछ औषधि अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों एक ही खा लें, तो बातें नहीं बनेगी। काहे कि इसके लिए दोनों का सही होना बहुत आवश्यक है। काहे कि कहीं माताओं को दिक्कत के कारण नहीं हो पाता है और कहीं पिता को दिक्कत होने से मातृत्व का पितृत्व का सुख नहीं मिल पाता। तो उसके लिए भाइयों के लिए पुरुष के लिए मेल के लिए नपुंसकता दूर करने के लिए जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस और सुकल्पता जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, उसको दूर करने के लिए पुरुष को जैसे आपको बहनों को बता माताओं को बोले वैसे पुरुषों के लिए भी है दिव्य संतति सुधा वटी और पतंजलि स्पुरु लीना अश्वगंधावती। ये 2 कैप्सूल 2 टेबलेट 2 कैप्सूल भोजन से पूर्व गुनगुने पानी ये पुरुषों को लेना है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सा पुरुष को लेना है, कौन सा स्त्री, कौन किसको मेल को कौन सा औषधि लेना है, फीमेल को कौन सा औषधि। तो भी मेल के लिए बताया पुरुषों के लिए ये 2 टेबलेट को भोजन से पहले आधे घंटे पहले खाने के 2 टेबलेट सुबह और शाम। और उसके बाद यौना अमृत वटी दिव्य यौना अमृत वटी दिव्य चंद्रप्रभा वटी और दिव्य इम्यूनोग्रिड ये नया आया हुआ। ये तीनों वटी आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद दो दो वटी लेना, ये कोष होती है। तो चलिए आपको हमने कुछ औषधि बताया, कहे कि जो पूरा आसन नहीं कर सकते ये आसन करने के साथ साथ जिनको इस रोग से निजात पाना है, जिनको व्याधि, वो औषधि पी ले, योग भी करे, आसन भी करे, प्राणायाम भी करे, फिर देखिए उनको आरोग्य मिलेगा ही मिलेगा, माता बनने का, मातृत्व बनने का लाभ मिलेगा और आप बन पाएंगे। कि कई लोगों को रिसर्च के बाद निकाला गया और इसी के लिए, इसी पुरुषों के लिए घरेलू उपचार की औषधि के साथ घरेलू जो आपके घर में सकते वहां से भी उसका उपचार शुरू कर सकते हैं। भाइयों के लिए जैसे लहसुन के 6 से 8 कली को छीलकर घी में तलकर, लहसुन 6 से 8 हर घर में लगभग मिलते, 6 से 8 कली उसको छील लें और घी में उसको तल दें और पीस कर खाएं, उससे भी आपको इसमें लाभ होता है, नपुंसक का इम्पोर्टेंस। और शहद, गाय का घी, सफेद प्याज का रस, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर दूध के साथ सेवन करना। यह भी पुरुषों के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि अब माताएं कहेंगी तो बहुत आसान, सबके अलग अलग है, उसके भी बताएंगे, ये पुरुषों के लिए बता रहा हूं। या 10 ग्राम गिलोय शहद ले लें और 10 ग्राम गाय का घी ले, दोनों को मिलाकर सेवन कर सकते। तो आप कुछ हमने घरेलू उपचार भाइयों के लिए बताए और कुछ घरेलू उपचार बहनों के लिए बताए। ये तो आपको भाइयों के लिए बताए घरेलू उपचार। अब बहनों के लिए क्या है? बांझपन दूर करने के लिए जिसको कहा जाता है बांझपन, माता बहन गाय के दूध में शिवलिंगी बीज और कोंच के बीजों का पाउडर बना और दोनों को मिलाकर पीने से लाभ होता है, ये आपको घरेलू उपचार है बहनों के। या आप ले सकते हैं गाय का दूध में नाग के स्वर को मिलाकर पीने से माताओं बहनों जल्द गर्भ गर्भवती हो, ये तो माताओं के लिए कुछ, ताकि आप सभी प्रकार से आप प्रयास करेंगे समग्रता के साथ, तो इसमें वो लगता है इस रोग से निजात पाने कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत जल्द इस रोग से निजात पा सकते हैं। ये आपको इसमें कई घरेलू उपचार है, कई औषधि है, कई आसन है, लेकिन आपको हमने जो सबसे ज्यादा लाभ होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जिसको कहा जाए, वो आसन, वो प्राणायाम, वो औषधि, वो घरेलू उपचार बता। चलिए कपालभाति जो रुक गए, कुछ लोगों को देख रहा हूं तो रुक जाते, कोई बात नहीं, थक जाते हैं तो रुकना आवश्यक। पहले ही बता दिए थे आपको कि अपने शरीर का अतिक्रमण नहीं करना है, नहीं करना, ताकि आप अपने पूरा पालन। चलिए जो रुक गए हैं और उसको पुनः करना। और जब कपालभाति करें तो एक शिव संकल्प अवश्य करें, कि आपके अंदर जो भी व्याधि है उस व्याधि को आप हर सांसों के साथ बाहर निकाल रहे। ऐसा शिव संकल्प के साथ करेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ लगता है कुछ नहीं, लेकिन लाभ है कि उसके साथ परमात्मा जुड़ा होता है, उसके साथ आपका श्रद्धा जुड़ा होता है, उसके साथ आपका विश्वास जुड़ा होता है। और एक संकल्प ये अपने आप बहुत विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है। तो संकल्प ये हो कि आपके अंदर जो भी व्याधि, जो भी नकारात्मक विचार, जो भी रोग है वो रोग को हर सांसों के साथ बाहर निकाल दे। ऐसे संकल्प के साथ कपालभाति करें, आज करें, आज से ही लाभ करें, अभी करें और अभी से ही रोग का निदान करें। ये है अपने योग प्राणायाम आसन औषधि तेलु चार का लाभ। चलिए अब इसमें कुछ खाने पीने में भी सावधानी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए विचार, तो दोनों चीज को ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हमने आपको कपालभाति करते करते कुछ बातें शेयर कर रहे थे और आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा था और आपसे बहुत उम्मीदता से सुन और उसको स्मरण कर रहे थे करते करते कपालभाति। चलिए 1 मिनट और कपालभाति करते। और कपालभाति को यही पर विराम देते हैं और बाह्य प्राणायाम अग्निसार पूजाई करते हुए प्राणायाम को आगे बढ़ाएं। चलिए बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 बार करेंगे। इसमें 3 बल लगेगा, मूल बल, भूता भाग ऊपर खींचेंगे, उड्डयन बल, पीठ को पीछे पूरा खींचेंगे और उड्डयन बल के बाद जलंधर बल, ठोड़ी को सीने से सटाएंगे और तीनों बल को एक साथ लगाएंगे और सांस पूरा बाहर अंदर पूरा खाली। तो इसको कम से कम 1 मिनट तक, शुरुआत में आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे एकाएक करने में दिक्कत हो और अधिक से अधिक इसको 2 मिनट तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा लेने में हानि हो सकता है, तो उसको भी ध्यान रखा। तो चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम, पूरा सांस अंदर भरे, फिर सांस पूरा बाहर, फिर बंद लगाएं, जब फिर बंद लगाने के बाद आप रोक के रखिए और लगे कि आपको आप सांस रोका नहीं जा रहा है, फिर बंद हो के बाद सांस को अंदर भर ले, फिर सांस कर, फिर 1 बार पुनः कम से कम 2 बार आउट। इस प्रकार से बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद करेंगे अग्निसार। अग्निसार में आपको सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को आगे पीछे हिलाएं। आप शुरू में इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार हिलाएं, धीरे धीरे 6, 7, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार ले जाए, लेकिन एकाएक आप 30 बार हिला लिए जोश जोश में, दूसरे को देख देख के, तो आपको हल्का सा दुख है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। सुबह में 5 से 10 बार, फिर 12 बार, 15 बार, 2-2, 3-3 बार पढ़ाते थे। तो चलिए करते हैं अग्निसार। इस प्रकार से फिर पूरा करें। इस प्रकार से बायक, बायक के बाद सर्दी जुकाम टॉन्सिल कई तरह से जाती अपने कंठ से होती है, उसके लिए भी करेंगे ऊंचाई, ये भी कम से कम 2 से 3 बार आवश्यक हो जाए। तो चलिए करते हैं ऊंचाई। लेंगे सांस, नाक से ही मुख बंद रहेगा लेकिन कंठ से टकराते हुए कंठ से खींचे और अंदर, और रोक के रखेंगे अंदर। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक कम से कम 30 सेकंड तक रोक ही सकते हैं, फिर उसका अभ्यास करते करते 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास, इतना तक आपको बढ़ाना है। तो चलिए इसमें 2 बंद लगेंगे, मूल बंद और गलन उड्यान बंद लगेगा। जब फिर आप नहीं रोक सकते हैं तब फिर चाहिए नाक को बंद करके बाएं नाक से जितने अंदर सांस ले उसको बाहर निकाल दें। चलिए वाकुना करते हैं। ऐसे ये हो गया ऊंचाई। आप करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम, जिसको जितना भी व्यक्ति प्यार, जो बेड से नहीं उठ सकता है, बिछौना से नहीं उठ सकता है, वो भी कर सकता है और पूरा अपने को आरोग्य पा सकता है। वैसे प्राणायाम बाकी सब उसके सहयोग करते हैं, लेकिन किसी एक चीज को बीच में रखा जाता है तो इसका ये अनुलोम विलोम। तो चलिए इसको भी कम से कम 5 मिनट करने का प्रयास करेंगे आज। ऐसे आप करते चले और कुछ बात सुनते चले, अनुलोम विलोम करते करते आप कुछ बताते। अभी आपको हमने कुछ औषधि बताई, कुछ घरेलू उपचार बताए, आसन प्राणायाम करते, और इसी के साथ खान पान में भी सावधानी बरतना पड़ता है। इसके लिए माताओं बच्चों को विशेष होता है कि कुछ पथ्य पदार्थ होते हैं, कुछ अपथ्य पदार्थ होते हैं, कुछ को खाने और कुछ को खाने से निषेध करना पड़ता है। उसके लिए कुछ है, जैसे सबसे विशेष लाभ मिलता है पत्तेदार हरा सब्जी, इसको खाना चाहिए। हरा सब्जी में क्या क्या आता है? पत्ता गोभी, सलगम, मूली, पालक, गाजर, शकरकंद, चुकंदर, चावल, ओट्स, जौ, लहसुन, बादाम, ये सब खा सकते। और कितने आप हरा सब्जी सबसे ज्यादा लाभ मिलता है इसको। ये तो हो क्या आपको पथ्य पदार्थ जो खाने चाहिए, और कुछ है निषेध पदार्थ जिसको नहीं खाने चाहिए, जैसे अल्कोहल, आइसक्रीम, इसको कदापि नहीं खानी चाहिए, ये तो आपको लाभ। उसके साथ साथ जंक फूड भी, मक्खन, चॉकलेट, ये सबसे निषेध रखा जाता है माताओं, ताकि इस व्याधि से दूर हो सके, आपके बांझपन को दूर किया जा सके, आपके प्रजनन में सही इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सके। इसके लिए आहार बहुत मददगार होता है। और गर्भवती महिलाओं पपीता, आम, अनानास का सेवन उस वक्त नहीं किया जाता। ये आपको कुछ खाने पीने का पदार्थ में क्या, ताकि आप इससे निजात पा सकते। तो चलिए हम लोग योगाभ्यास करते हैं। कुछ बात सुन रहे थे और कुछ बात जानने का प्रयास कर रहे थे। ये तो आपको कुछ कुछ बातें बताते बताए, अभ्यास अनुलोम विलोम करते करते बताए। और चलिए जो रुक गए हैं वो पुनः अनुलोम विलोम शुरू कर दें, काहे कि 5 मिनट कम से कम चाहिए। आरोग्य के लिए प्रतिदिन व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट आवश्यक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, ताकि आगे उनको प्यास ना हो। उसके लिए कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट अनुलोम विलोम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको लाभ होगा। चलिए अनुलोम विलोम करते करते आप सबों से कुछ संवाद भी करेंगे, 2-4 लोगों से, और 2-4 लोगों से अनुभव भी लेंगे। आज बहुत ज्यादा से तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से आज अनुभव उनका भी सुनेंगे, और कुछ लोगों से प्रश्नोत्तर जो आपके मन में है वो भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अनुलोम विलोम करते करते प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, ताकि दोनों काम होता है। उससे पहले प्रश्नोत्तर से पहले जिनको विशेष लाभ मिला हो, ताकि इस सोशल साइट से के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग अभी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं। जब जैसा समय मिलता है वैसा देखते, तो उनकी प्रेरणा मिले उनको, उसके लिए भी हम लोग आपके अनुभव लेते हैं। तो हम चाहेंगे एडमिन से कि परमिशन दे दे, जिनको कुछ अनुभव अपना पहले बताना है, जिनको विशेष लाभ मिला है, वो अपना माइक अनम्यूट करके पहले बात रखेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर लेंगे, और बाकी अनुलोम विलोम करते हैं, ताकि दोनों का लाभ मिलता है। तो चलिए हाथ खड़ा कर देंगे और उनको परमिशन दिया जाएगा अपने अनुभव बताने यहाँ। सबैले सुन्नुभयो अनुलोम विलोम हजुरहरु गरिराख्नुस्। स्वामीजी को आदेश अनुसार यहाँ प्राणायाम को माध्यमबाट के लाभहरू यहाँलाई भएका छन् भने त्यसको बारेमा यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले रेज ह्यान्ड गर्नुहोला। यो पद्धति जुम पद्धतिमा एउटा सिस्टम हुन्छ, रिएक्सनमा गएर यहाँले रेज ह्यान्ड गर्नुभयो भने त्यहाँ देखेर गरेर सजिलो हुन्छ। जसले पहिले गर्नुभयो कर्मशः त्यसै अनुसार यहाँको नाम राखिनेछ। मौसमी जी आसामदेखि, ओम स्वामी जी। ओम ओम बोले। योगा से मेरे पापा जी को बहुत फायदा हुआ है। उनको पैरालाइज हुआ था, वो भी ठीक हो गया। कार्ड में ब्लॉकेज हुआ था वो भी उनका क्योर हो गया है। और अभी ग्लूकोमा में भी बहुत फायदा हुआ है। पहले उनको दूर का नहीं दिखता था लेकिन अब उनको दिखने लगा है। चलिए पहन जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनके पिताश्री को भी बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर से कामना करते हैं कैसे हमेशा आरोग्य योग के माध्यम से आरोग्य मिलता रहे और कितने लोग देख रहे उनको भी इससे प्रेरणा मिल रहा है कि योग अभ्यास करते करते पैरालिसिस ग्लूकोमा जो दूर नहीं देख पाते थे कई रोगों का निदान हुआ। ये तो पूरे मोटे तौर पे बता रहे और उसके साथ साथ शरीर में स्फूर्ति, शरीर में आनंद, शरीर में अनिद्रा, नींद ना आना, कई तरह की व्याधि, कमर दर्द, छोटे मोटे दर्द तो होते ही है, सारे व्याधि दूर हुए लेकिन मोटे मोटे दर्द। से बहन जी ने बताया अपने पिताश्री का जो लाभ मिला है इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। और सबको बहुत साधुवाद बहन जी को और पिताजी को। और अगला ले लेते हैं, एक से दो लोगों को भी, आज कम लोगों को अवसर मिल पाएगा ताकि जितने लोग जुड़े हैं सबको अवसर दे पाना तो एक दिन में मुश्किल हो जाता है। कमला सेना दीदी ओम गुरुदेव ओम ओम माताजी ओम। मुझे तो प्राणायाम से योगा से बहुत अच्छा हुआ है। हमको बहुत कॉन्स्टिपेशन कब्जियत होता था और उसी से हमको पायल्स भी हुआ, हमको बहुत दर्द हुआ था। अभी तो योगा प्राणायाम कपालभाति करते करते हमको अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। फिर हमको दर्द टाउ का दर्द माथा इतना दुखता है, बहुत दुखते थे 3 दिन 4 दिन तक हम औषधि खाते खाते भी हमको अच्छा मतलब ठीक नहीं होता था। ये अनुलोम विलोम हमने सुबह आधि घंटे और शाम को आधे घंटे करते करते हमको माइग्रेन जस्ता रोग भी हुआ था, उसको भी हमने ठीक किया। अभी हमको कुछ नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमको किसी पेट संबंधी और सिर दर्द होने के कुछ भी। बहुत सुंदर, माता जी को इतना लाभ मिला, सबके योग से एक नया जीवन मिला। आपका जिला कौन सा हुआ माता जी? जी जिला डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमने जिल्ला देखि हुनुहुन्छ भन्नु भएको? ए म काठमाडौँ भक्तपुर जिल्लादेखि, भक्तपुर जिल्लाको म पयोस यो पतञ्जलि योग समितिको महिला सदस्य पनि हुँ र मैले आज 8 वर्ष नौकरी कन्टिन्यू। बहुत सुन्दर माताजी, पुनः साधुवाद। देखिए योग से कितना लाभ मिला। माता जी ने अपने अनुभव बताते बताते भी कई चीजें बताने थे लेकिन हमने बीच में रोक दिया, चाहे कि लगभग मोटे मोटे तौर पर बताए ताकि प्रेरणा मिल सके, बाकी लोगों को जो फेसबुक के माध्यम से जो देख रहे हैं वो भी प्रेरणा पाएंगे इस अपने आज के शिविर में। और देखिए कितने लोगों को इस योगाभ्यास से, इस एक ऑनलाइन के माध्यम से कितने लोगों को प्रेरणा मिले, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको आंका नहीं जा सकता, इसको आंकड़ा नहीं किया जा सकता है। काहे कि आज ये कई दिनों तक कई लोग, जब किसी को दिन में मिलेगा समय, किसी को रात में, किसी को दोपहर में, वो देख सकते हैं और प्रेरणा मिल सकता है। चलिए आप लोगों का अनुभव हमने लिए, बहुत अच्छा लगा कि योगाभ्यास करते करते सब लोगों ने एक तरह का योगाभ्यास कर रहे हैं और कई रोगों का निदान पा रहे हैं। यही है योगाभ्यास, यही है इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस कि एक आसन करें और कई रोगों का समाधान। और एलोपैथिक में क्या होता है, कई दवा ले और एक रोग का निदान पाने के साथ साथ साइड इफेक्ट भी कभी कभी प्रसाद दे जाता है, हल्का सा चुप हुआ। लेकिन योगाभ्यास से एक आसन करने पर कई रोगों का समाधान। होता है। चलिए सबको कितने अनुभव शेयर किए, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप एक दो लोगों का विशेष जिनका होगा उनका प्रश्न ले लेते हैं कि आज के सत्र को पूर्ण बात। भरत कुमार श्रेष्ठ जी बोल्नु हुनेछ, त्यसपछि मैना छेत्री जी। ओम ओम ओम। जिनको बैठे बैठे एक मिनट रोकते हैं कि बैठे बैठे जिनको हल्का सा पैर कर दिया है तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। चलिए बोलिए। मेरा नाम भरत कुमार श्रेष्ठ, मैं काठमांडू कोटेश्वर से हूँ। मेरा 10-2 अनुभव, बहुत सकारात्मक अनुभव। एक तो पहले योग करने से पहले मुझको बहुत सिर दर्द हुआ करता था। वो 2-4 महीने 5-6 महीने के गैप में ऐसा सिर दर्द होता था कि मुझको सुबह से जो खाया और शाम को सिर दर्द हुआ तो सब वॉमिट करना पड़ता था। वॉमिट करते करते मुझको ऐसा होता था कि मेरा प्राण ही चले जाएगा, ऐसा होता था। तो जब मैं ये 4 वर्ष से जब मैं लगातार ये प्राणायाम योग अभ्यास में जुड़ा हुआ हूँ तो वो धीरे 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 जाकर अब ये 2 महीने से तो मुझको 2 वर्ष से अभी तक मुझको सिर दर्द ही नहीं हुआ। मैं रोज अभी ये एक चौतारी जब से शुरू हुआ है अभी 2 वर्ष से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, नियमित योग करता हूँ। और दूसरे में 6 महीने के बाद मुझको भी कोविड हुआ था, तो कोविड के दौरान में मुझको फीवर नहीं आया लेकिन बहुत खांसी आया था और होल बॉडी को बहुत पेन हुआ करता था। लेकिन मैंने एक दिन भी आसन, प्राणायाम और वो कसरत नहीं छोड़ी, तो मुझको उतना परेशान नहीं हुआ। चलिए बाबूजी को भी बहुत बहुत साधुवाद। उनके लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसे बाबूजी को आरोग्य देता रहे और योग से लाभ मिलता रहे। देखिए बाबूजी काठमांडू से हैं और इनको सोचिए योगाभ्यास पहले सीख कर इतने ये बता नहीं सकते, कितने डॉक्टर से दिखाए, कितने दवा लिए, लेकिन जब से इन्होंने योग से जुड़े, योग प्राणायाम से जुड़े और कितना लाभ मिला। उसके साथ साथ आपको हम पहले ही बता रहे थे कि वैश्विक महामारी में कई लोगों को कोरोना आया, जिसे बाबूजी बता रहे कि योगाभ्यास कर रहे थे, इनको भी कोरोना आया था, खांसी भी हुआ था कई तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और सहजता के साथ कोरोना अपने आप चला। एक बार और स्वामी जी कि जब मैंने योग चौतारी से प्रतियोगिता हुआ था तो कोविड के बाद में भी मैंने कोविड की जब मेरे कोविड से मेरा रिकवरी हुआ तो उसके बाद ही अनुलोम विलोम का 1 घंटा प्रतियोगिता हुआ था, उसमें भी मैंने भाग लिया। 1 घंटा निरंतर अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा ये सूर्य नमस्कार प्राणायाम किया, तो सब कुछ बहुत लाभ हो रहा है। अब मैं नॉर्मल जैसा ही हूँ, वो कोविड का मुझे कोई अब वैसा इफेक्ट नहीं है। ओम स्वामी जी। ओम ओम। बाबूजी को देखिए कि बाबूजी ने आपको योगाभ्यास से अनुलोम विलोम 1 घंटे का प्रतियोगिता में भी विजयी हुए, इसलिए उनको पुनः साधुवाद। योग चौतारी का जन्मदाता लवराज भट्ट जी का कोटि कोटि नमन, क्योंकि ये योग चौतारी सृजना हुआ और हम लोग सब लाभ कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ओम जी बाबूजी। ओम ओम ओम। चलिए और एक लास्ट ले लेते हैं कि एक का है कि अपने पास आज कुछ समय की पाबंदी है, कुछ कई चीजें होते हैं, तो लास्ट एक ले लेते हैं। जिनको विशेष रूप से अनुभव या अपने कोई प्रश्न पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर। मैना जी, मेनका जी, शाहना जी, छोटो छोटो मात्र है तो 1 मिनट भित्र बोल सकने। ओम गुरु जी। ओम ओम। मेरे को यो ठंडी मौसम है ना, सुबह सुबह बहुत छींक आती है और योग करने से बहुत तकलीफ होती है, मैं इसमें क्या करूं? देखिए ठंडी चीज आपको ठंड में छींक आते हैं बहुत ज्यादा। आप पहला बात तो आप ये काम करें कि आपका ठंडी पदार्थ, खाने पीने वाले पदार्थ को ना खाएं, उसको आपको परहेज करना है। और जब भी पानी पिए तो गुनगुने पानी का प्रयोग करना है, आपको ठंडे से बचना है। और जब आप जैसे योगाभ्यास करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति ज्यादा मात्रा में करें। और आसन आप सब नहीं कर सकते तो आप सूर्य नमस्कार को ज्यादा मात्रा में करें। आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आप उजाई इसको भी करें तो पूरा लाभ मिलेगा और ठंडा से आप निजात पा सकते हैं और उसके इस प्रकाशी से बचा जा सकता है। लेकिन आपको खाने पीने में पूरा सावधानी इसके लिए अति आवश्यक है। ठंडे पदार्थ को नहीं खाना है, जैसे आइसक्रीम, जो भी ठंडा पदार्थ हो उसको नहीं खाना है, चावल नहीं खाना। मेनू का थापा जी सुध्यालू। ओम गुरुलाई संपूर्ण गुरुलाई ओम गुरु। मलाई चाहिने मुटुको चाहिने समस्या थियो, प्रेसर र मुटुको समस्या थियो, एकदम धेरै समस्या थियो। गंगालालमा जाँदाखेरि मेरो अपरेसनको तयारी भइसकेको थियो अनि अपरेसन गर्नलाई डाक्टरले पैसा ठीक गर्नु भनिसक्नु भएको थियो। अनि यहाँ त्यही हस्पिटलमै मलाई एकजना बहिनीले चाहिने हजुरको नजिक कतै योग छ भने योगमा जानुस् न, अनि हेर्नुस्, अनि मात्रै अपरेसन गर्नुस् दिदी भनेर सल्लाह दिएको हुनाले म अनि यहाँ भक्तपुरमा भर्खर योग सुरु भइरहेको थियो। महाकालीमा आधा घन्टा टाढा जानुपर्ने थियो अनि त्यहाँसम्म मेरो बुढोले बिहान लगिदिने अनि लिन जाने, लगिदिने लिन जाने। म उठेर केही गर्न सक्ने थिएन, बसेर अनुलोम विलोम गरेर मात्रै नै म अनि उठेर अलिअलि चल्न सकेँ। अनुलोम विलोम गरेर मलाई अनि बहुत सुंदर माताजी को सोची कितने उत्साह उमंग माताजी में योग से आ गया है। बहुत साधुवाद माताजी को। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साना श्रेष्ठ गुरु। ओम गुरुदेव प्रणाम। ओम। म हजुरलाई यस्तो हामीले मिट्टीको लेप लगायो भने धेरै रोग पीडाहरू कम हुन्छ भनेर म सुनेको छु हैन। जुन पेटमा हामीले मिट्टीको लेप लगाउँछौँ तर त्यो मिट्टी कस्तो खालको हुनुपर्ने त्यो लेप लगाउन लागि भनेर सोध्छु भनेर हजुरलाई। देखिए मिट्टी का लेप आपको जो पेट में लगाया जाता है, आपको देखिए एक तो दिमाग का मिट्टी होता है उसको ले सकते हैं या 5 फीट का नीचे जमीन में खोद के नीचे का मिट्टी लिया जाता है और उसको बहुत महीन बारीकी होता है, उसको फिर उसमें कोई भी कंकर ना रहे उसको छांटना पड़ता है और ताकि उसमें एक भी कंकर ना हो। जैसे आपको दीमक का मिट्टी आप देखते होंगे उसमें पूरा एकदम मिट्टी ही मिट्टी रहता है, बहुत जैसे आटा के समान मिट्टी हो जाता है, उसको लगाया जाता है लेप। अब लेप लगाने में क्या है, एक कपड़े में उसको मिट्टी को लगाया जाता है, उसको फिर पेट पे रखा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप मिट्टी को ही पोत दिए, वैसा नहीं किया जाता। आप उसको मिट्टी का लेप लगाने के लिए आप पहले मिट्टी का चुनाव उस तरह से करें, उसको छाने और उसमें कोई भी कंकर ना हो, एकदम आटा के समान बन जाए वो और बहुत गीला भी ना हो। आटा को जैसे हमने रोटी बनाने के लिए करते हैं उस प्रकार से हल्का सा गीला रहेगा उससे और उसको फिर पेट में लगा सकते हैं तो फिर पेट से मिट्टी का बीमारी भी लाभ मिलता है। ये तो कर लेंगे स्वामी जी क्योंकि आटा गूंदने में माहिर है तो बना ही लेंगे। हाँ जी। चलिए बहुत सुंदर, सभी को साधुवाद। आप उनको लगता है यहीं पर इसको देते हैं आज के लिए और हमारी उद्गीर मनोध्यान बाकी है हम लोगों का, उसको करते हुए आज के सत्र को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। तो चलिए सभी कोई अंतर जगत में चलते हैं। उससे पहले जो रुक गए थे कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम को यही विराम देते हुए भ्रमरी उद्गीर और मनोध्यान अंतर जगत में चलते हैं। परमात्मा के पास 3 बार भ्रमरी, 3 बार उद्गीर, फिर प्रणोद। बार हो जाने के बाद उद्गीत करें लंबे ओम का उच्चारण फिर होना किसी एक चक्र पे अज्ञात चक्र पे संस्थान चक्र पे या नाभि चक्र या हृदय चक्र अपने मन को एकाग्र कर या किसी वस्तु पदार्थ जिस पे एकाग्र हो वहां मन को एकाग्र के हाथ को ऊपर उठा ले, आंख बंद रहेगा, हाथ को घर्षण करेंगे और घर्षण करने से जो उस क्या मिलेगा उसको स्पर्श करने के बाद ये आंख को खोल। तो चलिए आज का सत्र को पूर्णता की ओर हम लोग ले चलते हैं और शांति पाठ से पहले अपने बहन जी के पिताश्री अपनों बीच से चले गए उनके लिए हम लोग 2 मिनट का श्रद्धांजलि मौन श्रद्धांजलि आज इस में जितने लोग भाग ले रहे हैं उन सभी की ओर से और सोशल साइट में जितने लोग भाग लेंगे देखेंगे उनके ओर से सबके ओर से बहन पूज्य साध्वी देव कृपा जी के पिता से अपनों बीच से चले जाना देव परिवार में कितना कष्ट होता है और उन सभी परिवार वालों को सहने की शक्ति प्रदान करते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग पतंजलि योगपीठ परिवार पूरा नेपाल पतंजलि योगपीठ सबकी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और 1 मिनट का मौन प्रार्थना मौन श्रद्धांजलि उनके लिए और ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे और उनको देवलोक का में स्थान दे प्रभु। इसके लिए पहले हम लोग एक बार गायत्री जाप करते हुए मौन श्रद्धांजलि देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति। और परिवार को भगवता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में दुख की पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें और इस जीवन की सत्य है कि सबको अपने चरण में स्थान देते हैं। जब तक इसमें धरती पे हैं सभी स्वस्थ है आरोग्य है ये निश्चित होता है। इसकी इस घास की गुजरना ही पड़ता ये अद्भुत सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन उनका अपने बीच नहीं रखने से बहुत लेकिन क्या विधि का विधान और इसमें प्रार्थना करते हैं आज के सत्र को इसी प्रार्थना के साथ और इसी श्रद्धांजलि के साथ सभी लोग से पुनः वंदन नमन करते आज के सत्र आगे के आदरणीय पूज्य स्वामीजीलाई प्रणाम गर्दै संपूर्ण मित्रहरूलाई आज सहभागी हुनुभएका आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएका संपूर्ण मित्रहरूलाई नमन गर्दै आजको श्रद्धांजलि शोक सभाका हामी गरिसक्यौं। सँगसँगै आजको कार्यक्रम यही समापन गर्छौं। सबैलाई धन्यवाद। ओम।